तो आओ अब बात करते हैं शनि और चंद्रमा के 12वें भाव में युति के बारे में। देखिए अब तक हमने 11वें भाव तक बात की है। अगर आपके लग्न चार्ट में शनि चंद्र की युति 11वें भाव में है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। अब बात करेंगे 12वें भाव में आपके किसी भी राशि में शनि चंद्र की युति यानी विष दोष या पुनर्फु योग बन रहा है तो इसके आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले इन जनरल बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा देखिए आपका मन है और मन हमारा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा चंचल होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा खुद भी बहुत ज़्यादा चंचल है और एक राशि में सिर्फ 2.5 दिन तक ही ये रह पाते हैं। तो चंद्रमा एक तरह से जल तत्व है और जल जितना ज़्यादा बहता रहेगा जितने स्पीड से बहेगा उतना ही वो कहीं ना कहीं खराब होने से बचेगा। तो अब चंद्रमा पर ये बात लागू होती है। चंद्रमा एक तरफ जलीय हैं जबकि शनि की जहाँ तक बात है शनि वायवीय हैं एरी हैं। तो चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं। चंद्रमा हमारे इमोशंस से जुड़े रहते हैं, हमारी मन की भावनाएं, हम किस प्रकार से सोचते हैं, हमारे मन में हम किस प्रकार से कल्पनाएं करते हैं, इमेजिनेशन पावर हमारी कितनी है, हम क्या कुछ सोच सकते हैं, क्या कुछ हमारे मन में विचार आते हैं, ये सब चंद्रमा दिखाते हैं। चंद्रमा मन के कारक होने के साथ साथ हमारी माता के कारक भी होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है या चंद्रमा खराब स्थिति में होता है तो वो एक इंडिकेशन करता है आपकी माता जी के किसी ना किसी जो जैसे स्वास्थ्य वगैरह का जो पहलू है उसके खराब होने की या ओवरऑल उनका जो स्टेटस है उसके खराब होने की। और अगर चंद्रमा काफ़ी अच्छा है तो आपकी अपनी मदर से अच्छी बनेगी और उनका स्वास्थ्य वगैरह उनके पास धन वगैरह सब अच्छा रहेगा। लेकिन चंद्रमा खराब हो गया तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी मदर पर पड़ेगा या फिर आपके और मदर के रिश्तों पर पड़ेगा। अब चंद्रमा जो कि ऐसा प्लैनेट है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये इजी गोइंग नेचर को दिखाता है, बहुत सिंपल लाइफ को दिखाता है। चंद्रमा सुख को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा काफ़ी अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं और ये एक तरह से हमेशा हमारे मन में जो विचारों में परिवर्तन आता है उसको दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं ये काल पुरुष की कुंडली में जो कि ये चतुर्थ हाउस के मालिक होते हैं तो ये हमारे प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों को, हमारे घर को, सुख को, घर के सुख को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरह से चंद्रमा का रोल बहुत ही ज़्यादा है। और हम जो विचार करते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे मन में जो कुछ भी हम सोचते हैं विचार करते हैं वो सब चंद्रमा की वजह से ही आते हैं। अब कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं और उनको जब लगता है कि ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपातकालीन स्थिति है उसमें भी वो घबराते नहीं हैं और सही डिसीजन लेके आगे बढ़ जाते हैं। जबकि ये देखा गया है कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा घबराए हुए रहते हैं, नकारात्मक रहते हैं माइंड से और कुछ कर नहीं पाते, सही डिसीजन नहीं ले पाते, फास्ट काम नहीं कर पाते, फास्ट डिसीजन नहीं ले पाते, गलत होते हैं उनके डिसीजन और मन में कहीं ना कहीं नकारात्मकता रहती है, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो वो घबरा जाते हैं। तो एक तरह से ये खराब चंद्रमा और अच्छे चंद्रमा की निशानी होती है कुंडली में। अब चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो किसी भी अन्य ग्रह से बहुत जल्दी प्रभावित होता है क्योंकि चंद्रमा जल है और जल जल ऐसा है, जल ऐसा तत्व है जो बहुत जल्दी ही प्रभावित हो सकता है, ये तुरंत प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं अब चंद्रमा हमारे मन स्थिति को दर्शाता है, हम किस प्रकार से हमारे मन में कोई धारणा बनाते हैं, हमारी मनोवैज्ञानिक धारणा क्या है, हम कितना सोच सकते हैं, हमारे मन की गहराई कितनी है, वो सब चंद्रमा दिखाते हैं। तो चंद्रमा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करें अगर शनि की तो शनि वो प्लैनेट है जो हमें लाइफ में सबसे हार्ड टाइम दिखाता है। वो इसलिए दिखाता है कि वो हमें स्ट्रोंग बनाने की कोशिश करता है, वो हमें एक लेसन पढ़ाता है, पाठ पढ़ाता है, वो लाइफ का कठिन पाठ जिसको पढ़ने के बाद हम लाइफ के किसी भी फेज में हमेशा अपने आप को बनाए रख सकते हैं, अपना वजूद बनाए रख सकते हैं, हम पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो शनि स्ट्रगल इसलिए देते हैं कि कुछ तो आपके पास्ट के बैड कर्माज होते हैं, दूसरा शनि न्याय के देवता हैं और ये हमेशा आपसे मेहनत ज़्यादा मांगते हैं, रिवार्ड कम देते हैं और
ऐसा शनि इसलिए है क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में जो है दुख माना गया है काल पुरुष का। तो एक तरह से शनि ऐसा प्लेनेट है जो बहुत ही ज़्यादा काले रंग का है, और इनका स्वरूप जो कि वायवीय है जैसा कि हमने पहले बोला, तो ये एकदम उदासीनता वाली प्रवृत्ति देता है, ये बहुत ज़्यादा सीरियसनेस देता है, ये बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस में बांध देता है और आपको बताता है कि आपको हमेशा लिमिटेशंस में रहते हुए ही कार्य करना है और आगे बढ़ना है, अपने आप को आगे संवारना है। तो शनि हमें अंधेरे रास्तों से गुजार कर किस प्रकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाते हैं, ये हमें जीवन की वास्तविकता से अवगत करवाते हैं। वो वास्तविकता जिससे हम वास्तव में अवगत होना चाहते नहीं हैं पर हमें होना पड़ता है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे पहले के कर्म हो सकते हैं या इस जन्म के कर्म भी हो सकते हैं जहाँ पे हमने कुछ गलती की हो या हमने अन्याय किया हो किसी के साथ। तो क्योंकि शनि है वो न्याय करते हैं हमेशा, और जिसने अन्याय किया है उसको ये दंड अवश्य देते हैं। तो एक तरह से शनि न्यायाधीश हैं, और न्यायाधीश हमेशा अपने जो भी नियम कानून है उन पर कायम रहता है। अब बात आती है शनि चंद्र की युति की, तो इसको बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड भी किया गया है एस्ट्रोलॉजी में, और इसको एक तरह से बहुत ज़्यादा नकारात्मक स्थितियों के साथ ही जोड़कर देखा जाता रहा, पर मुख्य रूप से ये स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो सकती है, पर बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम तभी होंगे जब शनि और चंद्रमा दोनों की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होगी और इनमें डिग्री वाइज जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जितने ये ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही आपको परेशान करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब शनि चंद्र की युति बनती है तो जातक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ जो भी टारगेट करता है उसको एक समय बाद भूल जाता है। वो स्पेशली किसी एक चीज़ पर, एक कार्य पर एक बार में फोकस नहीं कर पाता और वो ठीक से काम भी नहीं कर पाता। शनि चंद्र की युति आपके मन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, ये मन में एक तरह से विष के समान को जहर सा घोल देती है, जिसके वजह से आपका मन कुंठित हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, नकारात्मक विचार आते हैं, आप सही रास्ते पर चल नहीं पाते, आप रास्ता चूज कर ही नहीं पाते। ऐसी स्थिति में इसलिए आते हैं हम क्योंकि चंद्रमा हैं वो यहाँ पर शनि से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जितने चंद्रमा और शनि एक दूसरे के क्लोज होंगे उतनी ही ये आपकी हालत खराब करेंगे, और अच्छा होने पर भी कुछ ना कुछ आपके कार्यों में डिले जरूर करेंगे, पर फिर भी कुछ मामलों में रिजल्ट अच्छे कहे जा सकते हैं अगर दोनों अच्छे हैं तो। अब शनि चंद्र की जो युति बनती है उसमें चंद्रमा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो ये शनि के प्रभाव में हमेशा रहता है, और शनि इसके ऊपर अपना नियंत्रण रखते हैं क्योंकि शनि है वो लिमिटेशंस को बताते हैं। इस वजह से यहाँ पर चंद्रमा इनके प्रभाव में रहकर अपने आप को लिमिटेशंस में बांध कर रखता है, वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता, और चंद्रमा हमारा मन है तो जब हमारा मन ठीक प्रकार से और अपने स्वाभाविक रूप से काम नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है हम खुद भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक प्रकार से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, हम पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे, जिससे हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अब शनि चंद्र की युति वाले एकदम एक ऐसा फियर सा लिए रहते हैं, ये अपने चेहरे पर एक डर सा दिखाते हैं, उदासी से दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ये डरे हुए से रहते हैं, सहमे हुए से रहते हैं। ये शनि की यहाँ पर जो सीरियसनेस है वो है, बल्कि वास्तव में जातक डरा हुआ होता नहीं है पर शनि है वो अपना सीरियस रूप दिखा रहे हैं। अब आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे जातक ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच वाले भी होते हैं, भले ही लाइफ में उनके साथ कितना भी अच्छा हो रहा हो। अब यहाँ पर यह भी देखा गया है कि शनि चंद्र की युति है तो आपको लाइफ में सेटल होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, आप बहुत धीमे धीमे सोचते हैं, आपका समय निकल जाता है और आप सोचते रह जाते हैं, सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, जिससे आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे केस में अब चंद्रमा बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस में आ जाता है, और शनि की जब लिमिटेशंस में चंद्रमा आ जाएगा तो आपके मन की सोचने की जो क्षमता है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा। अब चलिए बात करते हैं, अगर शनि चंद्र की युति आपके 12वें स्थान में बनती हो तो इसके आपके लिए क्या परिणाम होंगे।
अब आपको यहाँ पर इन दोनों का नक्षत्र देखना बहुत ज़रूरी है, इनमें डिग्री वाइज कितना डिफरेंस है, कितने क्लोज हैं ये देखना, और राशि देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में कौन से ग्रह की दृष्टि आपके 12वें हाउस पर पड़ रही, या कौन सा ग्रह आपके 12वें हाउस में इनके साथ भी बैठा हो, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब 12वां हाउस है वो हमारे लिए एक तरह से लाइफ का अंत होता है, जहाँ हम मोक्ष की तरफ जाते हैं, जहाँ हम हमारे जीवन का अंत देखते हैं। ऐसे केस में आप एक तरफ चंद्रमा है जो हमें सुख देता है, जो हमारे लिए सभी प्रकार के सुखों का कारक है, जबकि शनि है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से मेटरलिस्टिक, हम उसको नहीं कह सकते, तो ऐसे केस में ऐसा जातक डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको मेटरलिस्टिक लाइफ जीनी है या फिर उसको कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है। ऐसे केस में जातक धार्मिक भी होता है पर वो किसी एक रास्ते को चूज नहीं कर पाता, वो एक दिशा में सही से चल नहीं पाता है। दूसरा, यहाँ पर शनि चंद्र की युति होने से आप अपनी पहचान खो देते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, और अगर शनि या चंद्रमा का लगन से संबंध हुआ तो ये स्थिति, ये परिस्थिति, ये युति आपके लिए ज़्यादा खराब हो सकती है, जिससे आपको बहुत पहचान नहीं मिलेगी, आप अपनी पहचान खो देंगे। हालांकि आपकी पहचान जरूर रहेगी, ऐसा नहीं आप पूर्ण रूप से पहचान नहीं खोएंगे, पर आपकी पहचान बिल्कुल एक पर्दे के पीछे ही रहेगी, आप कभी भी खुलकर लोगों के सामने नहीं आ पाएंगे। दूसरा, इसमें ये देखा गया है कि ऐसे जातक अंतर मन वाले ज़्यादा होते हैं, मतलब ये किसी के साथ भी अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं और ये मन ही मन सोचते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं अंतर्मुखी स्वभाव वाले होते हैं, जो हमेशा अपने आप को, अपने विचारों को दबाए रखते हैं और लोगों के सामने खुलकर नहीं बताते हैं, ना ही ये किसी से ज़्यादा बात करते हैं। अब शनि चंद्र की युति है वो 12वें स्थान में आपको लॉसेस को दिखाती है, बहुत ज़्यादा लॉस होना, माइंड में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, कोई भी निर्णय सही साबित नहीं होना, और आपकी लाइफ पर एकदम ब्रेक सा लग जाना। एक तरह से ऐसा लगता है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ खो दिया हो, बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आते हैं, आपको नींद सही से नहीं आती, डिप्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि इतने भयंकर भयंकर आपको नकारात्मक विचार आएंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा आपको ये कहीं ना कहीं पैसे के लॉस को या सुख के लॉस को दिखाते हैं, ये अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लॉस को भी दिखाते हैं, और आपके जीवन की जो प्रक्रिया है, जो आपके विकसित होने की, जीवन में आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, उस पर एकदम ब्रेक सा लगा देते हैं। तो ऐसे जातक की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली भी होती है और वो कुछ भी डिसाइड ठीक से नहीं कर पाता लाइफ में। इसके अलावा आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपको किस साइड में जाना है, मतलब आपको धार्मिक जो जीवन है उसको चूज करना है, स्पिरिचुअल होना है, या फिर धन कमाकर आपको गृहस्थ जीवन की तरफ ही आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार की ये युति रहती है आपके 12वें स्थान में। अब आपके प्रत्येक लगन के अकॉर्डिंग, प्रत्येक राशि के अकॉर्डिंग, नक्षत्र वाइज यहाँ पर परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। तो फिलहाल आपके लिए इस वीडियो में इतना ही।